तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या एक BCA कोर्स करने के बाद आपको इजीली और जल्दी जॉब मिलती है। BCO हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या MCO हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, मैं आपको यहाँ पे दो तरीके की कैटेगरी कॉलेज बताऊंगा कि दो कैटेगरी की कॉलेज कौन कौन से होते हैं और कहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलता है। जिसमें मैं फर्स्ट बात करता हूँ कि अगर आप कहीं से BCA कर रहे हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ पे फीस ही आपके अराउंड 60,000, 70,000 या 1 लाख के आसपास होती है, और वहाँ से अगर आप कर रहे हो, एक रिप्यूटेड कॉलेज है, तो वहाँ से आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है। मतलब मैं यहाँ पे सैलरी बेस की बात नहीं करूँगा, बट आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 आपको स्टार्टिंग आराम से मिल जाता है। बट उन कॉलेजेस की फीस जो होती है वो आपको बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ईयरली मैं बता रहा हूँ, और 3 साल का आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आपके खर्चे हैं रहने के, खाने पीने के, और जो नॉर्मली आप खर्चे करते हो, वो आपको सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इंक्लूड इन द सेंस कि BCA पूरे कोर्स में, बट जो आपके रहने खाने के खर्चे वो अलग है, उनकी फीस अलग है। हॉस्टल फी में रहते हो तो वो एक फीस अलग चार्ज होती है। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। एंड सेकेंड कैटेगरी क्या होती है, एक नॉर्मल कॉलेज होता है, एक बेसिक कॉलेज होता है, जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो और वहाँ पे 5 से 7 हज़ार रुपये या मैक्स 10 हज़ार रुपये आप ईयरली फीस देते हो, और इसके बाद आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप अपना खुद से एग्ज़ाम देने वहाँ पे जाते हो, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होता है। तो वो चाहो तो आप, ये भी एक बेटर वे है BCA करने के लिए। बट उसमें डिफरेंस जो होता है, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि आपको कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दिलाते हैं। स्टिल वो बोलते हैं कि हाँ, हम 100% प्लेसमेंट गारंटी देंगे या 100% प्लेसमेंट कराते हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। जब आप 3 ईयर्स के बाद पास आउट होते हो, तो बट ऐसा होता नहीं है, और वो बोलते हैं एडमिशन के टाइम पे। बट आप क्या कर सकते हो कि आप 5-10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये दिल्ली की फीस में आप वहाँ पे एडमिशन करा लो। एडमिशन कराने के बाद में आप कहीं बाहर से किसी इंस्टीट्यूट से 20-25 हज़ार में कोर्स करो। वो चाहे आपको नेटवर्किंग में जाना हो, हार्डवेयर में जाना हो, सॉफ्टवेयर में जाना हो, एप्लीकेशन में जाना हो, वेब डेवलपमेंट में जाना हो, .NET, PHP, या किसी भी तरीके की डेवलपर लाइन की अगर आपको जॉब करनी है, तो आप वहाँ से एडमिशन करा लो। और बाहर वो कोर्सेज की आप तैयारी करते रहो, आपके पास डिग्री भी हो जाएगी, और बाहर से पढ़ने के बाद आपके पास टैलेंट भी हो जाएगा और नॉलेज, स्किल्स सारी कुछ आपके अंदर उतने में हो जाएंगी। बाकी उनकी फीस जो होती है 20 से 25 हज़ार रुपये, वो दो बेस पे होती है। या तो आप अब 20 से 25 हज़ार रुपये उनको दे दो, या फिर 20 से 25 हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप आ जाता है, गारंटी स्कॉलरशिप आपको आ जाता है। तो वो चाहो तो आप उसमें डिडक्ट करवा सकते हो। तो नॉर्मली जो फीस होती है इनरोलमेंट या एडमिशन फीस 7-8 हज़ार रुपये इजली आपको लगती है। तो मतलब 25 हज़ार रुपये में अराउंड आप 3 साल पूरे निकाल सकते हो। बाकी खाने रहने के वो खर्चे अपने अलग ही होते हैं, क्योंकि घर पे आप रहोगे तो इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे कुछ एक्स्ट्रा में उसमें। जिस तरीके की आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। आप अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हो, एक नॉर्मल कॉलेज में भी जा सकते हो। बाकी अगर आपको BCA MCA रिलेटेड एडमिशन के लिए अगर बात करनी है, तो आप मुझे स्क्रीन पे भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर किसी को यूपी में, उत्तर प्रदेश या कानपुर में किसी को भी एडमिशन अगर आपको BCA में लेना, तो मैं आपका कॉन्टैक्ट करा सकता हूँ। और जो मैंने फीस बताई 7 से 8 हज़ार रुपये ईयरली आप कर सकते हो। इवन वहाँ पे पेपर्स की भी फैसिलिटी है, अगर आप पेपर देने भी नहीं जाना चाहते हो, तो कुछ पैसे दे के आपके पेपर भी हो जाते हैं वहाँ पे। और डिग्री वगैरह जो भी होती है, वो सारी रियल होती है, आप ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।